माननीय अध्यक्ष जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्ष 2015-16 के बजट के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। महोदय, भारत रेलवे नेटवर्क भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का एक अच्छा प्रतीक है। सामाजिक विकास और आर्थिक विकास हमारे देश के लिए रेल एक अच्छा ही माध्यम है और हमारे माननीय रेल मंत्री ने हमारी भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को अवलोकित करते हुए आज जो है वर्तमान का जो बजट है, पिछले वर्ष 2014 और 15 में 65,789 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2015 से वर्ष 2016 में 1,11,00 करोड़ कर 52% की धनराशि की वृद्धि की है, जिससे सहजता से हम ये मान सकते हैं कि रेल में जो हमारे अमूल चूल परिवर्तन में सहायक बनेगा और आने वाले समय में देश में यात्रा करने वालों को सुखद का एहसास कराएगा। साथ ही हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे देश में जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर विशेष गौर किया है। ग्राहकों को, जो यात्री हैं, उनको स्थायी सुधार का एहसास कराना, रेल की यात्रा को सुरक्षित साधन बनाना, भारतीय रेल की क्षमता को आधुनिक बनाना, रेल को आत्मनिर्भर मानवर हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है। देश का हर नौजवान, हर नागरिक आत्मनिर्भर बने, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी की मंशा है कि हमारे रेलें भी आत्मनिर्भर बने। एक सराहनीय कदम है इनका, हम लोग सभी इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका एक अनूठा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भारत के लिए इतिहास में पहली परियोजना है, वो है विशेष परियोजना बुलेट ट्रेन। और साथ में ही हमारे देश को गति देने के लिए चतुर्भुज डायमंड परियोजना, जिससे हमारे ट्रेनों को गति मिलेगी और यात्रा सुगम होगा, समय कम लगेगा, देशवासियों को सुविधा होगी। ये वास्तव में हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम माननीय मंत्री जी का बार बार प्रशंसा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी जन सुविधाओं को उन्होंने ध्यान में रखा। महोदय, आपने रेलवे को उन्नत एवं प्रगत पर ले जाने के साथ ही यात्रियों को में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है कि यात्रियों को किराया में वृद्धि नहीं की। ये भी हमारे देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। साथ ही हमारी देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्भया कांड में जो फंड दिया है, बहुत ही अच्छा फंड है, जिसमें हमारी महिला जो यात्रा करती हैं, अभी तक भयभीत रहा करती थी, उनको निश्चित ही सुरक्षा का एहसास होगा। और हेल्पलाइन का जो नंबर दिया है 183, इससे भी काफ़ी महिलाओं को सुरक्षा और असुविधा में मदद मिलेगी। साथ ही SMS अलर्ट का भी प्राविधान किया है, जो हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य और सहयोग करेगा। टोल फ्री 182 निर्धारित किया है, जिसमें हम सबको बड़ी सुविधा होगी। महोदय, माननीय मंत्री जी ने महिलाओं के बारे में भी चिंता करके एक हम सबका मान और गौरव बढ़ाया है। मैं महिला होने के नाते इनको फिर से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत के निर्माण में जैव शौचालय की व्यवस्था करना, समान श्रेणी में सवारी को डिब्बे का बढ़ाना, ये सब दर्शाता है कि यात्रा में जो धक्का मुक्की हुआ करती थी, आने वाले समय में यह यात्रियों के लिए सुविधा होगी, आराम से उनका सफर होगा। ये सराहनीय कदम है। और 5 मिनट के अंदर जो वेंडिंग मशीन के अंदर आपको टिकट मिलेगा, ये भी हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धता है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी, आप बहुत सारे पार पथ में कभी ओवर ब्रिज और अंडरग्राउंड ब्रिज बनाने की हमारे मान्यवर आपकी योजना है। हमारे मुरादाबाद मंडल में 27 आपकी क्रॉसिंगें हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र संसदीय शाहजहांपुर में तिलहर क्रॉसिंग से निगोही मार्ग पर, जो बहुत बड़ी आबादी दूसरे जिले को जोड़ती है, वहाँ पर एक ब्रिज की अति आवश्यकता है, चाहे अंडर हो चाहे ओवर ब्रिज हो। कटरा से खुदागंज क्रॉसिंग मार्ग पर भी ये बहुत ही आवश्यक है। NH-24 जमुई निगोही मार्ग पर रेल पथ पार करने के लिए ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। महोदय, जब ओवर ब्रिज में अंडरग्राउंड
राउंड पथ पे ज्यादा सुविधा होगी, जब साइकिल और रिक्शा खींच करके ले जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन आपने ये भी बहुत सराहनीय कदम किया उठाया है, जो क्रॉसिंगें बंद पड़ी उन पे पार पथ का निर्माण करके लोगों को जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजा सीतापुर कैंट बुडवल डबल लाइन 178 किलोमीटर की स्वीकृति आपने दी है, जो डबल लाइन बन रही है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक बधाई देती हूं, दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और साथ ही शाहजहांपुर पीलीभीत का जो बड़ी लाइन का कार्य आपने शुरू किया उसको भी धन्यवाद देती हूं। महोदय, आपके यहाँ पेंडिंग ग्वालियर टू शाहजहांपुर 330 किलोमीटर जो 12,870 करोड़ की स्वीकृति के लिए भी मैं आपको बधाई देती हूँ। आप शीघ्र ही मूर्त रूप देकर शाहजहांपुर की जनता को आप जो है लाभान्वित करें, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, आदर्श ग्राम में 200 स्टेशनों का आपने चयन किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगी काकोरी कांड के शहीद ठाकुर रोशन सिंह अस्पाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नाम पर हमारे शाहजहांपुर का जो सब स्टेशन है उसको आगे उच्चीकरण करने का कष्ट करें और कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। महोदय, शाहजहांपुर में रेलवे की लगभग 1,000 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, आपकी योजना है विश्वविद्यालय बनाने की, मैं आप सबसे आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारे शाहजहांपुर की बहुमूल्य जमीन जो रेलवे की पड़ी है उसको विश्वविद्यालय बना करके एक शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कृपा करें। और साथ में कम्युनिटी हॉल की भी मैं बात करती हूं। महोदय, मैं आपसे ये कहना कि जो आपने हमारे आम आदमियों के लिए जो तमाम ऐसी सुविधाएं जैसे यात्री किराए वृद्धि न करना, सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से आम आदमी को प्रभावित रहेगा इस पे, महोदय थोड़ा सा तो बता लेने दीजिए। मैं कहना चाहूंगी सामान श्रेणी के सवारी डिब्बों में वृद्धि की जाएगी, ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा कार्य है और आने वाले समय में हमारे देश की जनता को हम सबको लाभ मिलेगा। पुनः मैं माननीय मंत्री जी को